जय हिंद दोस्तों, मैं हूं चुन्नी लाल यादव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सभी सिम कार्ड यानी कि जियो, एयरटेल, वीआई या फिर बीएसएनएल सबका हम कॉल फॉरवर्डिंग नंबर जो है बताने वाले हैं। अगर आप जो है कॉल फॉरवर्ड करना चाहते हैं किसी दूसरे नंबर पे, चाहे आपका सिम कार्ड एयरटेल का हो, जियो का हो, वीआई का हो, चाहे फिर बीएसएनएल का हो, सबका कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगा। बस इस वीडियो को देखिए कि कौन सा कोड कौन सिम कार्ड पे अप्लाई होता है जिससे कि कॉल फॉरवर्डिंग जो है हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम बात करेंगे एयरटेल की। ठीक है, एयरटेल के लिए आपको *21* और मोबाइल नंबर डालना है और हच डालना है, आपका कॉल फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं जियो का। तो जियो के लिए आपको *401 फिर मोबाइल नंबर उसके बाद डायल कर देना है। ठीक है, आपका कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं वीआई का। वीआई का है **67* और मोबाइल नंबर उसके बाद डायल कर देना है, आपका कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं बीएसएनएल का। तो बीएसएनएल का है **21* और मोबाइल नंबर और हज उसके बाद में आपको डायल कर देना है। ठीक है, आपका कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगा। ये है बीएसएनएल का कॉल फॉरवर्डिंग कोड। ओके, तो आपको कोई सा भी है आप वीडियो को पॉज करके नंबर को नोट कर लीजिए, कॉल फॉरवर्डिंग कोड को, उसके बाद में अप्लाई कीजिए, आपका डेफिनेटली कॉल फॉरवर्डिंग हो जाएगा। और हाँ, अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि कॉल फॉरवर्डिंग डीएक्टिवेट कैसे करते हैं, चाहे एयरटेल हो, जियो हो, वीआई हो या फिर बीएसएनएल, उसके लिए अगर चाहते हैं कि एक नया वीडियो बनाकर आपके लिए लाएं, ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए यस वीडियो चाहिए, तो फिर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अगर हेल्पफुल लगा, यूजफुल लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।